हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे आपके सब ग्रुप के ऊपर, और जैसा कि प्रीवियस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि हम इस हमारे जो लेक्चर रहेगा आज का, उसका हमारा मेन एम रहेगा जो आपकी लैंग्वेज थ्योरम है उसे समझना। कि बच्चों, जो लैंग्वेज थ्योरम है वो एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये 12 नंबर के लिए पूछी गई है। तो आप देख सकते हो कि आज जो हम थ्योरम करने जा रहे हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। सीधी की सीधी थ्योरम का स्टेटमेंट या नियम आएगा, और वो भी 12 नंबर की आई हुई है। सीधा 12 नंबर का एक सवाल है ये, तो वो आप सोच सकते हो कि एग्जाम के लिहाज से कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर 2-3 सालों में एक बार पक्की आती है, और लास्ट ईयर में शायद नहीं आई है, उस पिछले साल आई नहीं थी। इस साल आपको पता है जैसे कि एग्जाम नहीं हुए तो बच्चों प्रमोट किए गए थे। तो फिर बच्चों, इस हिसाब से आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी, चाहे डिग्री हो चाहे इंटीग्रेटेड हो। तो आज बच्चों जो हम दो थ्योरम करने वाले हैं, उन दोनों का आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। हर हाल में वो आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए। एक एक प्रोसेस को आपको समझनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है समझने के लिए। रट्टाफिकेशन बच्चों थ्योरम के लिए काफ़ी हद तक गलत है। हाँ, कि यदि एक आधी थ्योरम हो चलो आप रट लेते थे, लेकिन आप देख सकते हो जो ग्रुप थ्योरी हमने बुक स्टार्ट की है वो कम्प्लीटली आपकी थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड है, और आगे भी जो कुछ बुक्स ऐसी आएंगी जिनमें आपको सिर्फ थ्योरम थ्योरम ही पढ़नी है। तो इसलिए बच्चों, आप उनको समझने की कोशिश करो, और एक थ्योरम का दूसरी थ्योरम से रिलेशन क्या बन रहा है, कैसे कंसेप्ट यूज हो रहा है, वो समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 2.17 से। थ्योरम नंबर 2.17 बच्चों, आप कई के माइंड में आएगा सर 2.18 जो लैंग्वेज थ्योरम में डायरेक्टली उस पर आ जाते, क्यों बच्चों? मैं डायरेक्टली उस पर नहीं आया, उसका रीजन है क्यों नहीं आया, क्योंकि जो 2.18 जो लैंग्वेज थ्योरम में मुख्य रूप से समझनी है, उसका कुछ कंसेप्ट इसके अंदर है। कंसेप्ट का मतलब जो बेसिक कंसेप्ट है ना, वो इस थ्योरम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो मैं कुछ रूल्स यूज करूँगा वो यहाँ समझनी जरूरी है आपको, ठीक है। तो देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि किसी उपग्रुप के दो वाम या दक्षिण यानी लेफ्ट या राइट कोसेट या तो सर्वसम होते या असंयुक्त। तो सबसे पहले सर्वसम और असंयुक्त को समझना जरूरी है। ये जो दो वर्ड है स्टूडेंट आप सबके लिए, सर्वसम और असंयुक्त। सर्वसम का मतलब हो गया इक्वल, यानी AH इक्वल टू BH, या असंयुक्त की ए एच इंटरसेक्शन बी एच इक्वल टू फाइव, ऐसा केस, ठीक है। बस मुझे कि यदि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो वो सेट क्या होंगे? अलग अलग होंगे। पर यदि उनमें कोई भी एक भी एलिमेंट यदि ऐसा हो गया जो दोनों में कॉमन हो, जैसे समझिए बच्चों, यदि एक भी ऐसा एलिमेंट आपके पास आ गया जो दोनों में कॉमन हो, तो फिर वो इक्वल ही होंगे। हमें इस कंसेप्ट का यूज करना है, ठीक है, ये प्रूव करना है। लेकिन जो लैंग्वेज थ्योरम है उसमें मैं इस कंसेप्ट का यूज करूँ, यह देखना, अलग अलग का मतलब एकदम अलग। यदि AH इज नॉट इक्वल टू BH होने का मतलब एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो दोनों में कॉमन हो, कंप्लीटली डिफरेंट होंगे, कंप्लीटली डिफरेंट। इतनी बात याद दिमाग में बैठी या नहीं बैठी? ये क्यों होंगे बच्चों? कंप्लीटली डिफरेंट होंगे आपके लिए भी। कोई बच्चा ये सोच रहा है कि ये सेम होंगे या अलग कुछ, वैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, एकदम अलग। हाँ, कोई एक भी अवयव कॉमन होगा तो वो इक्वली होंगे फिर, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले देखो इसके लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, आराम से समझिए स्टूडेंट सभी। लिखते हैं, माना जी कोई ग्रुप है तथा एच सब ग्रुप है, ठीक है। और मैंने मान लिया कि ए कोमा बी दो जी के एलिमेंट हैं, ठीक है, जिनके लिए जो कोसेट है लेफ्ट या राइट ए की ले रहे हैं हम, क्योंकि प्रोसेसिंग है वो ए एच और ए बी एच,
ठीक है। अब जो इक्वल नहीं है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हमें जो प्रूव करना है, मेन प्रोसेस क्या होगी, हमें ये प्रूव करना है कि इफ ए एच इंटरसेक्शन बी एच इज नॉट इक्वल टू फाई, यदि दोनों में कम से कम, यदि दोनों में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो कॉमन हो, ठीक है, यदि दोनों में कम से कम बच्चों एक ऐसा एलिमेंट हो जो कॉमन हो, इसका मतलब फिर हमें ये प्रूफ करना होगा कि ए एच इज इक्वल टू बी एच। और बच्चों यदि आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ थ्योरम्स पीछे जब करवाई थी, मैंने कुछ बात बोली थी आपको, मैंने कहा था आपको एक कंसेप्ट याद रखना, जब भी देखो एच क्या है बच्चों, अपने आप में कोई सेट ही है, कोई अलग चीज़ थोड़ी ना, भाई जो आपका एच है वो क्या है, कोई सेट है, और बी एच है वो भी एक सेट है। जब बच्चों एक सेट को दूसरे सेट के इक्वल प्रूव करना हो ना, जब भी आपको जब एक सेट दूसरे सेट को इक्वली प्रूव करना हो, तो आप पहले तो जैसे ए और बी हो तो ए को बी का सबसेट बना दो और बी को ए का सबसेट बना दो, उस कंडीशन में इक्वल होते हैं। लगभग यही प्रोसेस हम करते हैं जब हमें दो सेट इक्वल प्रूव करने हो, तो यानी हमें प्रूव यही करना ही है कि हमें ये दिखाना होगा एक बार तो कि ए एच बी का सबसेट और बी एच ए एच का सबसेट है, ठीक है। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू फाई, यानी इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ तो होगा, कम से कम एक अवयव तो जरूर होगा। तो मैंने मान लिया एक्स इज बिलोंग फ्रॉम ए एच इंटरसेक्शन बी एच, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स बिलोंग फ्रॉम ए एच एंड एक्स बिलोंग फ्रॉम बी एच, सही लिखा होगा भाई। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में वही तो होता है ना, क्लियर है इतना। इसके बाद आगे देखिए, एक्स बिलोंग ए एच है तो एक्स इक्वल टू ए एच वन मान लो, कोमा एक्स इक्वल टू बी एच टू मान लो, या फिर बी एच वन नहीं मान सकता। कोई स्टूडेंट ये सोचता बी एच वन क्यों नहीं माना, क्योंकि यदि मैं बी एच वन मानता तो ए इक्वल बी हो जाता, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर तो ए एच इक्वल बी एच हो ही होगा, ये पहले का ही। यदि ए इक्वल बी हो तो ए एच इक्वल तो बी एच अपने आप ही हो गया, प्रूव करने वाली क्या बात होगी फिर, इसलिए एच वन एच टू। तो यदि एक्स कॉमन है तो एक्स की अलग है, ए एच वन बराबर बी एच टू, दोनों से एच, इस साइड से एच हटाने के लिए मैं क्या करूँ, एच वन इनवर्स का कर दूँ, और उधर से इधर से एच टू हटाने के लिए ए एच वन एच टू का इनवर्स इक्वल क्या कर दूँ, बी। ये दो एलिमेंट मैंने बना लिए, ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों आप देखो कि ए एच, ए एच है वो क्या होगा, बी एच टू सॉरी एच वन इनवर्स एच के इक्वल होगा, साची रहता से मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि एच टू एच वन इनवर्स एच बिलोंग फ्रॉम एच होगा, क्योंकि आप जानते हो एक ही सेट के अलग अलग ग्रुप के, सॉरी ग्रुप के अगर मैं अवयव लेकर संक्रिया लगाता हूँ तो वो सारे आएंगे तो उसी के अंदर ना, बाहर थोड़ी ना चले जाएंगे, बाहर तो नहीं जा सकते, तो क्या जाएगा यहाँ पे। तो अब देखो जो ए एच का एलिमेंट है, यानी ए एच इस तरीके से जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे बी एच के इक्वल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ए एच है, यानी ए एच जितने भी है वो सब के सब किसके अंदर आ गए, बी एच के अंदर आ गए, ठीक है। सेम यही प्रोसेस बी एच बनाता हूँ तो क्या लिखूँगा, ए एच वन एच टू इनवर्स एच, कुछ ऐसा लिखूँगा, साचर्यता से मैं क्या लिखूँगा, एच वन एच टू इनवर्स एच बिकॉज ऑफ एच टू एच वन सॉरी एच वन एच टू इनवर्स एच इज बिलोंग फ्रॉम एच। तो इससे रिजल्ट ये बन जाएगा कि जो बी एच है वो बिलोंग फ्रॉम एच होगा, और सॉरी यहाँ पे एक लाइन लिखनी थी कि जो ए एच है वो बिलोंग फ्रॉम बी एच होगा। तो यदि जो बी एच के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे यदि ए एच में आ रही हैं, तो यहाँ से मैं रिजल्ट क्या बना दूँगा कि जो बी एच है वो ए एच का सबसेट होगा। यदि इसे इक्वेशन नंबर वन मानो, इसे इक्वेशन नंबर टू मानो, देन फ्रॉम वन एंड टू मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एच इक्वल टू बी एच, यही आपका बेसिक कंसेप्ट था, थ्योरम थी, आराम से देख लीजिए, कोई डाउट है बताइए, थ्योरम बच्चों आपके आगे पूरी की पूरी की। तो आप मेन कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, रटने की कोशिश मत करो,
क्वेश्चन को रिपीट कर दूँ। देखो भाई, आप खुद ये सोचो भी हमें एच को बी एच के अंदर दिखाना था, इसका मतलब क्या हो गया, मुझे ये दिखाना नहीं पड़ेगा कि एच का प्रत्येक एलिमेंट बी एच में हो। तो इसके लिए पहले सबसे पहले तो मैंने ए को निकाल लिया, अब ए के साथ यदि मैं एच लगाऊँ तो एच बन गया। वो क्या बना, ये जो एलिमेंट है तो कोई ना कोई एच का ही, यानी ए एच इस बी एच के इक्वल है। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा क्या कि जो ए एच है वो बी एच का एलिमेंट होगा? तो इस तरीके से मैं ए एच के सारे एलिमेंट को बी एच के अंदर बता सकता हूँ, यानी तो बंदर दिखा सकता हूँ ना, क्लियर है? तो इसका मतलब जो ए एच है वो बी एच का सबसेट हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस मैंने यहाँ की है कि मैंने क्या किया, बी को बनाया पहले। आप कहोगे सर एच वन एच टू क्यों नहीं लिए, एच वन एच टू मतलब क्यों, मुझे पूरे सेट को बताना है। एच वन एच टू एक एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, ये जो एच लिया है वो इसके सारे एलिमेंट को अलग अलग फॉर्म में डिनोट कर रहा है। यहाँ पे ए जो एलिमेंट लिए ये थोड़ा ना कोई फिक्स एलिमेंट है, यानी ए मतलब जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए बोला गया ये बात, ठीक है? तो सेम बच्चों यही प्रोसेस मैंने यहाँ यूज किया, क्लियर होगी इतनी। और इसके बाद आप देख सकते हो कि एक सेट दूसरे का हो जाए और दूसरा पहले का हो, तो उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि ए एच इक्वल टू बी एच, क्लियर? आराम से बच्चों देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, मैंने कहा था इस थ्योरम में लैंग्वेज में काम आएगी, ये बात काम आएगी। यदि इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाइव हो तो वो कम्प्लीटली अलग होगा, ओके, क्लियर हो गया? क्यों अलग होगा इसका रीजन आपको पता चल गया होगा, यूज क्या होगा वो देखिए लैंग्वेज थ्योरम में। साफ कर रहा हूँ बच्चों इसको, ठीक है? वो जो थ्योरम नंबर 2.18, एक मिनट बच्चों, थ्योरम नंबर 2.18 देखो, एक मिनट सॉरी, जिसे आप क्या कहते हो लैग्रेंज थ्योरम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम बच्चों आपके एग्जाम के लिए, से जो भी किए उससे ईजी है, जो भी किए उससे काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है? हाँ लेकिन थोड़ी अलग है, ओके, इम्पोर्टेंट है। अब बच्चों कहा था थ्योरम के साइज पे मत जाना, सर ये साइज इतना है 12 नंबर, इम्पोर्टेंस देखी जाती है कोई चीज़ की, ठीक है? साइज से इम्पोर्टेंस नहीं होती, ओके। तो स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ बच्चों, ये क्या कह रहा है कि किसी परिमित ग्रुप के, हाँ ये वर्ड जरूरी है, परिमित ग्रुप, यहाँ पे जो जी है वो फाइनाइट होना कंपलसरी है। यदि जी फाइनाइट नहीं होगा ना तो बच्चों यहाँ पे फिर ये थ्योरम प्रूव नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसकी जो आगे की लैंग्वेज है वो देखो क्या है कि प्रत्येक उपग्रुप की कोटि ग्रुप की कोटि का भाजक होती है। यानी कहने का अर्थ हो गया कि जो जी के कोटि का तो मतलब समझते हो उसके अंदर अवयव की संख्या, तो ये कह रहा है कि जो जी के कोटि है उसमें अगर आप उसके सबग्रुप की कोटि का भाग दोगे तो वो कम्प्लीटली जाएगा। ये नहीं होगा कि जी के कुल 7 अवयव हैं, सबग्रुप के 3 हैं, तो 7/3 पूरा भाग नहीं जा रहा ना, तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। प्रूव करना है कोसेट के थ्रू, प्रूव करेंगे जो बातों को वो समझेंगे, ठीक है? तो बच्चों देखो इसके प्रूफ को आराम से समझिए। जी मैंने मान लिया कोई ग्रुप, ठीक है, और एच बच्चों मैंने क्या मान लिया, सब ग्रुप, ठीक। और हमने ये थ्योरम प्रूफ की थी, ए बिलोंग जी एच होता है, ठीक है? अब बच्चों कुछ बात जो बेसिकली आपने 11th क्लास में पढ़ी है वो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक बात, तुम ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होता है, उसी के इक्वल होता है, ठीक है? क्यों, ये आप जानते ही हो। और ए बिलोंग यदि एच हो तो ए एच इज आल्सो इक्वल टू एच,
यहाँ पे ए यूनियन ए बी ए की ही बराबर होगा, कोई नया सेट नहीं आएगा। ये मैंने इसलिए बोला, तो आप खुद सोचो भी जी के भी आप जी के मान लो 10 अवयव, फॉर एग्जांपल ये मान लो जी के अंदर 10 अवयव है, एच के अंदर कितने भी, मुझे इससे एक बार फर्क नहीं पड़ता, वैसे तो 2 या 5 ही होंगे, लेकिन एक बार समझने की कोशिश करो बेटा कि मान लो एच इक्वल टू एच होगा, तो यदि एच के अंदर मान लो 4 अवयव, जी के अंदर 10 है, एच के अंदर 4 है, तो एच के जो 4 अवयव लेकर आप कोशिश बनाओगे वो चारों के चारों सेम ही बनेंगे या अलग अलग बन जाएंगे, एक जैसे बनेंगे, उनका यूनियन क्या होगा, उनका यूनियन आएगा तो वही, यानी उनको हमें स्पेशली अलग लेने की जरूरत तो नहीं है, आई बात समझ में, तो हम ये कर रहे हैं ठीक है। तो उस एलिमेंट को मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, तो मैंने मान लिया एच के जो अलग अलग कोश, माना एच के भिन्न भिन्न यानी अलग अलग जो कोसेट है वो क्या है, के है, के नम के जो टोटल है, यानी एच के मान लो 10 है तो वो के का मान 10 हो जाएगा, यानी जैसे A1H, A2H इस तरीके से A के H के फॉर्म के, ठीक है, अलग अलग है, क्लियर हो गई इतनी बात, ये सुनो भाई, अलग अलग मान लिए मैंने, हाँ उनमें जो सेम है वो भी आ चुकी है भाई, जो 2-3 सेम है तो उनको हम यूनियन के थ्रू नहीं लिखेंगे। तो देखो बच्चों एक बात समझो जो मैं बोल रहा हूँ, और एच के ये अलग अलग हैं तो बात वही है, सो सेम है वो एक बार ही लेना है, तो यानी जी इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा, ए वन एच यूनियन ए टू एच, इस तरीके से यूनियन आगे चलता जाएगा, यूनियन एक एच, कुछ ऐसा ही होगा। अब आपको सर सेम नहीं लिए, एक बार ही लिया तो कुछ आप जानते हो, उनको मैं 4 बार और लिख लूँगा, फ़र्क क्या होगा, फ़ायदा कुछ होगा क्या मुझे, मुझे फ़ायदा तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब ए यूनियन ए जितने भी बनेंगे कि जैसे वो सब, यदि मान लो जो केवा एलिमेंट मान लो सेम है, तो केवा एलिमेंट से 10 बार आ जाएगा, तो एक ही बार लिखना है यू, मतलब तो वही बनेगा ना उनका एक ही, तो वो मैंने कंबाइंड करके पहले लिख दिया ठीक है। अब आप बच्चों देखो ये अलग अलग है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एस कोई सेट है 1 2 3 4 5, यदि इसके मैं 2 अलग अलग सबसेट लेता हूँ, अलग अलग एकदम अलग अलग, जैसे ये उन सब का जो ए यूनियन बी है वो क्या हो जाएगा, क्लियर है, बात समझ आ गई, कुछ ये कंसेप्ट है ना, लेकिन इसके अवयव 3, इसके 2, इन दोनों का योग है 5, बात समझ में आई। तो यदि मैं किसी सेट के 2 अलग अलग लेता हूँ भाई, ये तो कंसेप्ट था कि भाई अलग अलग, या तो ये इक्वल होंगे तो वो एक ही बार लिख दिया मैंने, अलग अलग है तो उनके अवयवों की संख्या का योग इसके अवयवों की संख्या के बराबर होगा या नहीं होगा, हो रहा है ना, यानी इन दोनों के जो अलग अलग सबसेट हैं उन दोनों के अवयवों की संख्या का योग इसके टोटल संख्या के बराबर नहीं होगा या नहीं होगा, होगा ना, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे अब क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहूँगा, तो यहाँ पे क्या ये नहीं लिखा जा सकता कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए वन एच प्लस ऑर्डर ऑफ ए टू एच इस तरीके से प्लस ऑर्डर ऑफ ए के एच, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ लिखनी बोली है ऊपर, लेट यानी माना ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन एंड ऑर्डर ऑफ एम सॉरी एच इक्वल टू एम, तो ऑर्डर ऑफ जी क्या है, एन, ये क्या आएगा, एम प्लस एम सॉरी चलता रहेगा के टाइम्स, ठीक है। अब आपके सर कैसे, तो बच्चे आप खुद सोचो ना भाई, आप एच के एलिमेंट में तो संक्रिया लगा रहे हो तो वो अलग अलग थोड़ी ना जाएंगे, रहेंगे तो वो एक ही रहेंगे, तो वो एक ही अलग अलग थोड़ी ना हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने ये लिया, क्योंकि जब आप इसके अंदर मान लो यदि 4 एलिमेंट है, ऑपरेशन लगाओगे तो 4 ही नहीं बनने हैं कोसेट में भी, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एम, और k इक्वल टू n बाई एम, और चूंकि k एक कंप्लीट नंबर है, यानी कोई ना कोई नेचुरल नंबर है ना कंप्लीट, इसका मतलब कंप्लीट हो गया n इज कंप्लीटली डिवाइड बाई एम, यानी एच है वो सॉरी एन है
वो एम से कंप्लीट डिवाइड होता है। ये बच्चे देखो कितनी लाइन लगी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी वो आधे पेज की होगी सही दी है कॉपी की। तो अगर जो एग्जाम पेपर की जो कॉपी आती है उसमें बच्चे अगर खुला खुला लिखते तो देख पे ज़्यादा से ज़्यादा भर देंगे। तो देख लो बच्चों ये थ्योरम 12 नंबर के लिए पूछी जा चुकी है मासे शायद, जो अब बच्चे जिन्होंने थर्ड ईयर का एग्जाम दिया ना बीसी फाइनल ईयर का, वो जब फर्स्ट ईयर में थे ना तब उनकी आई थी, यानी ऐसे 2 साल पहले जो एग्जाम हुआ था उस वक्त ही आई थी डिटो वैल्यू। इतनी छोटी सी थ्योरम और 12 नंबर के अंदर आई हुई है। तो इसलिए बच्चों मैंने कहा था कि जो ये लेक्चर है वो कंप्लीट हमारा इसी थ्योरम के ऊपर मैंने बेस्ट रखा था। अरे छोटी सी डेफिनेशन है, जो के है ये जो के है ना ये क्या बोला जाता है, उप ग्रुप का सूचकांक। इसी के अंदर डेफिनेशन भी एक और आ रही है, सूचकांक क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि यदि आप किसी ग्रुप की कोटि को उसके सब ग्रुप की कोटि से डिवाइड करते हो तब जो वैल्यू आएगी वो उसका क्या हो जाएगा, सूचकांक। आराम से बच्चों समझ आ गई होगी, कोई डाउट नहीं है ना। तो जो आज के लेक्चर को फिर यहीं फिनिश करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई थ्योरम जरूर होगी ठीक है, और कुछ नई बातें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।